वो तो नहीं है अमरनाथ ऊपर, पता नहीं लगता रही है। वही है जहाँ पे बर्फ थी थोड़ी थोड़ी। वेलकम टू अमरनाथ यात्रा 2023 अमरनाथ का बेस कैंप है, यहाँ पर कैंप्स लगते हैं ना, बैठते हैं तेज निकलना उधर से, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। चल चले तो बड़ा मुश्किल है, क्या मुश्किल है, यहाँ से चलेंगे। आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आरू 8 किलोमीटर है। तो ये आरू वैली है और सामने यहाँ पे रिवर भी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बेताब वैली घूम के आए हैं, तो अब उसके आगे हमें किसी ने बताया कि आगे चंदनवाड़ी है, वहाँ पे अमरनाथ यात्रा का मतलब लास्ट बेस कैंप है। तो यहाँ से वो 12-13 किलोमीटर ऊपर है, तो हम वो देख के आते हैं कि वहाँ पे क्या है। तो अब हम वहीं जा रहे हैं चंदनवाड़ी। यहाँ से आधा घंटा लगेगा चंदनवाड़ी जाने के लिए, तो अभी ज़्यादा गाड़ियाँ तो नहीं जा रही, ज़्यादातर लोग बेताब वैली आते हैं। पर अगर हम ऑप्शन है जाना चाहो तो जा भी सकते हो, ऊपर अच्छे व्यूज हैं और वो काफी हाइट पे है। तो चलो चलते हैं। अब हम आगे जा रहे हैं चंदनवाड़ी, बेताब वैली से आगे है चंदनवाड़ी 10 किलोमीटर। हाँ, उसके बाद रोड बंद हो जाती है, रोड खत्म 10 किलोमीटर है यहाँ से। ये रास्ता बंद होता है जब स्नोफॉल होता है या कभी कभी यहाँ लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, तो ये रास्ता बंद हो जाता है। फिर ऊपर है, चंदनवाड़ी वो तो नहीं है अमरनाथ ऊपर, पता नहीं लगता रही है। वही है जहाँ पे बर्फ थी थोड़ी थोड़ी, अमरनाथ पीक का। ये हम ऊपर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। ये बेस कैंप है। वेलकम टू अमरनाथ यात्रा 2023 बेस कैंप। हाँ, ये अमरनाथ का बेस कैंप है, यहाँ पर कैंप्स लगते हैं ना, बैठते हैं लोग। यात्रा जाते हैं मतलब यात्रा बेस कैंप, यहाँ पे अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। तो जब यात्रा होती है तो फिर यहाँ पे ही टूरिस्ट रुकते हैं। बस यही है चंदनवाड़ी। आगे है बताओ, यहाँ से जा रहे हैं। वेलकम टू श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 इस साल के। तो लिखने में क्या, यहाँ सारा ना, यहाँ सब लोग होते हैं तब, यहाँ से काउंट करते होंगे कितने जा रहे हैं ना। हाँ, यहाँ पे रोकते हैं ना इनको, अच्छा लग रहा है। ट्रैक कहाँ से है, चंदनवाड़ी के आगे से। डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा तेज निकलना उधर से, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। कल सामने रैम देना, तेज निकालो। तो फिर जाने देना, पत्थर आ रहे हैं ना। एक तो ऊपर पत्थर गिर रहे हैं और वहां पे तू रोक, मुझे रोका क्यों है इसने, गाड़ी पे ऐसी ब्रेक क्यों आ रही है, एकदम से रोका ना उसने मुझे। पत्थर गिर रहे हैं, क्यों आए हो यहाँ पे भाई, क्या तुम एडवेंचर कर रहे हो, पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, तुम गाड़ियां चलवा रहे हो, तुम मना ही कर दो किसी को आने मत दो, पत्थर तो कहीं से भी कहां गिर जाएगा। यहाँ से आपको घोड़े पर लेके जाएगा वाटरफॉल, अमरनाथ का सेटअप, आगे गाड़ी की गाड़ी यहीं तक जाता है, बस ये एंड है। यहाँ से आगे अमरनाथ का ट्रैक है और यहाँ पर आगे अगर कोई जाएगा घोड़े पर साइड सीन के लिए, वो यहाँ से जा सकता है, उसमें आपको टोटल 50 मिनट लगेगा। अच्छा, अब गाड़ी कहाँ से मोड़ो, गाड़ी आप लगा से, बस यहाँ पे रोड खत्म। तो अभी हम ये चंदनवाड़ी आए हैं, यहाँ पे रोड ख़त्म हो जाती है और यहाँ से यात्रा शुरू होती है अमरनाथ की, जहाँ पे घोड़ों से ले जाते हैं, तो आगे उसके गाड़ियाँ नहीं जाती इस रोड के आगे। तो
यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं खाने पीने के। खाएं कुछ? थम्स अप ले लो एक। कैफे यही से जाता है, ट्राई करना। हाँ देखते कौन गाने कौन गाना मजा आ रहा है। से होली के अमरनाथ है 32 किलोमीटर। चल चले। तो बड़ा मुश्किल है वहां से आने। क्या मुश्किल है, यहां से चलेंगे। अभी हम चंदनवाड़ी में हैं, जो अमरनाथ गुफा जाने का बेस कैंप है। अब यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो रोड क्लोज है, ट्रैकिंग करके या घोड़ों से ही जा सकते हैं। तो यहाँ हम आए थे, वैसे यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं है, बस रिवर है और थोड़ी बहुत शॉप्स हैं। तो एक पॉइंट है ये भी घूमने का। ये इसने चिप्स और ये ले लिए, गाड़ी में ही खाते हो। चले चलो चले चलो। तो हम यहाँ से जा रहे हैं और देखते हैं आगे क्या एक्सप्लोर करने को, वो एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे बस रिवर थी और कुछ शॉप्स थी खाने पीने की, और कुछ नहीं था। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं हम और कुछ एक्सप्लोर करते हैं आगे जाके। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैं जा रही हूँ आरू वैली। कल मैं पहलगांव आई थी रात को, तो अभी हम सुबह बेताब वैली होके आए और चंदनवाड़ी। अब हमने लंच कर लिया बीच में, और लंच के बाद अभी 4 बज रहे हैं अराउंड, और हम आरू वैली घूमने जा रहे हैं। तो बस अभी हम निकले ही हैं, 5 मिनट हुए हैं, और अभी मेन रोड पे हैं, मेन मार्केट में पहलगांव की। और यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है आरू वैली। हाँ, यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, तो आधा घंटा लग जाएगा आरू वैली जाने में। तो वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या है देखने को। बाहर मार्केट है, मार्केट हम आएंगे जब वापस, तो मार्केट भी घूमेंगे, देखते हैं अगर कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी तो खरीदेंगे। रेडिसन का यहाँ पे गोल्फ कोर्स, यहाँ होटल रिसॉर्ट है, यहाँ होटल रेडिसन है। आरू वैली यहाँ है, यहाँ इधर मिनी जू, अम्यूजमेंट पार्क सब यही है। अंदर से आपकी आवाज नहीं सुन सकते भाई, इतनी सारी शीप्स आ गई, इतनी सारी, वहां से भी गाड़ी है, यहाँ से भी गाड़ी है, अभी क्रॉस करेगी। हेलो, मत गाड़ी जाने दे। कुत्ता भी बीच में, कुत्ता जैसे कोई छुप के नहीं आता। हाँ, इनका ही कुत्ता होता है, कुत्ता रखवाली करता है ना, कि कोई जानवर आता तो भूखता है बता देता है, इसीलिए कुत्ता लेके चलते हैं। नहीं तो कोई जंगली जानवर आता है ना, इनको खा लेता है ना, फिर तो वो कुत्ता पहले बता देगा अपने मालिक को वो कि आ रहा है कोई खतरा, तो वो फिर अलर्ट हो जाते हैं, भेड़ों को पास कर लेते हैं। आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आरू 8 किलोमीटर है। ये आरू वैली के पॉइंट्स हैं। आरू वैली में रिवर पॉइंट, केव, ये सारे पॉइंट्स हैं यहाँ के।
हाँ नेल ही हो अच्छा लग रहे हैं ना तो ये अच्छा है पूछो इसका क्या प्राइस है 950 इसमें कलर्स भी हैं कलर है कलर है अंदर दीप्ति दीप्ति एक चाय ले रहा हूँ मैं चाय यहाँ के जो मेन पॉइंट्स हैं सब घोड़े से जाते हैं और ये उनकी रेट लिस्ट है बट अभी हम यहाँ पे घोड़ा नहीं कर रहे क्योंकि हमने सुबह बेताब वैली में घोड़ा किया था तो अभी हम बस यहाँ पे थोड़े से व्यूज़ देखेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे नीचे मार्केट की तरफ घोड़े का बच्चा ये होगा आप मेरे ख्याल से 7-8 महीने का यहाँ मारू वैली घूम रहे हैं रेस्टोरेंट है यहाँ पर कहाँ है क्या चार्ज है 50 rupees सर अच्छा दिखते लोग तो ऐसे ऐसे फोटो खिंचा रहे हैं बेताब वैली ज़्यादा अच्छी नहीं है पर तो सारा वही पॉपुलर है बेताब वैली तो ये आरू वैली है और सामने यहाँ पे रिवर भी है जब स्नो गिरती है तो यहाँ पूरा वाइट होता है स्नोफॉल से कवर हो जाता है ये रिवर है नीचे तो हमने आरू वैली घूम ली है बेताब वैली ज़्यादा अच्छी आरू वैली से और अब हम नीचे जा रहे हैं बस अपने होटल में जाएंगे थोड़ा फ्रेश होंगे और थोड़ी देर के बाद यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर करेंगे पहलगांव की तो ओके गुड बाय